हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पे। और मैं हूँ आज बजाज के शोरूम में, जो कि रायपुर में है, माना रोड देवपुरी में। और इसका पूरा डिटेल मैं अभी बताने वाला हूँ भैया से पूछकर। तो इसके बारे में आज बताने वाला हूँ, सिटी 125X के बारे में। आइए जानते हैं यहाँ के फाइनेंसर भैया जी से। यहाँ के भैया बाइक के बारे में बताएंगे, भैया आपको बता दें। हेलो, अरुण ऑटोमोबाइल्स, माना रोड देवपुरी, बजाज फाइनेंस से डेनियल। ये बजाज के न्यू मॉडल लॉन्च हुई है। पहले आपका ये आ रहा था सिटी 110X आ रहा था, जिसमें इसका मॉडल लॉन्च हुआ है सिटी 125X। इसमें ड्रम में और डिक्स में भी अवेलेबल है। जिसका ड्रम में अगर देखेंगे तो इसमें 86,500 रुपीस है, जिसका हम कम से कम डाउन पेमेंट 10,000 में गाड़ी छोड़ देते हैं। और इसका ईएमआई रहता है 3 साल का, आपका 3500 समथिंग कुछ रहता है इसका ईएमआई। जिसका डॉक्यूमेंट का चार्ज डॉक्यूमेंट रहता है इसका, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, बस उतने में। गारंटर नहीं लगता इसमें। फोर क्लोज का ऑप्शन है, आप कभी भी आके फोर क्लोज करवा सकते हैं फाइनेंस में। ये आपका अरुण ऑटोमोबाइल्स, माना रोड देवपुरी। और शोरूम का नंबर है 7415295930। सिटी 125X में आपको ड्रम में पड़ेगी 86,500 की ऑन रोड प्राइस। अगर आप ड्रम में जाएंगे तो 90,500। तो ये वाली है डिस्क वेरिएंट और ये है ड्रम। ये आपको 88,000 के आसपास पड़ेगा और ये 90,000 के आसपास। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, मात्र डिस्क ब्रेक का अंतर है। और यहाँ पर अभी 3 कलर में उपलब्ध है सिटी 125X। जो 110 में आती थी, अब 125 है ये बाइक न्यू मॉडल में। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों, हमारे सामने है बजाज की सिटी 125X। जानते हैं इसके बारे में क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं। यह आपको 2 वेरिएंट में मिलेगी, पहला है डिस्क वेरिएंट और दूसरा है ड्रम वेरिएंट। और इसे आप 3 कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं। और कंपनी से दावा किया जा रहा है कि इसमें 65 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। अगर इतना माइलेज देगी तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में आगे से देखने पर। अब इसके लुक और कलर को भी चेंज कर दिया गया है और न्यू डिज़ाइन में स्टिकरिंग की गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हेडलाइट सेक्शन में ऊपर में नंबर प्लेट लगेगा और जस्ट उसके नीचे में DRS लाइट दी गई है। और नीचे में 35x35 वाट का हेलोजन लाइट मिलता है। और यह है प्लास्टिक फाइबर का मडगार्ड, प्लास्टिक मटेरियल का मडगार्ड मिलता है। साथ ही इसमें फ्लैक्सीबल इंडिकेटर मिलता है, जिसमें 10 वाट का हेलोजन लाइट लगा हुआ है। और इसके सस्पेंशन को रबर गेटेड से कवर किया गया है। साथ ही इसमें 125mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है। वहीं इसके साइड में रिफ्लेक्टर लगा दिया गया है। यह है मीटर वाइज और कम्बी ब्रेक सिस्टम इस बाइक में मिलती है। और आगे वाले टायर में 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जो कि एक नया बदलाव है, पहले वाले सिटी 110X में नहीं आती थी। और इसमें अब मजबूत क्रैश गार्ड नया दिया गया है और नए मटेरियल क्वालिटी का इंजन गार्ड मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसमें किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों मिल जाता है। और इसमें सबसे बड़े बदलाव इसके इंजन में किया गया है। इसमें नया फ्रेश इंजन मिलता है और इसमें पावर मिलती है 124.4 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्टेप एयर कूल्ड SOSC DTSI इंजन दिया गया है। इसके साइड वाले बॉडी पैनल में 125X की ब्रांडिंग की गई है और इसे भी प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है बॉडी पैनल में। साथ ही नीचे वाला पिलियन फुटरेस्ट एडजस्टेबल है और पीछे में भी आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है। और यह है ग्लॉसी ब्लैक कलर का फ्यूल टैंक, जिसमें वाइट कलर में सिटी की ब्रांडिंग की गई है और 3 कलर में इसे स्टिकरिंग की गई है। और इसमें रबर का टैंक पैड दिया गया है और इसमें आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके मीटर कंसोल एरिया की, तो इसमें भी अब आपको नया बदलाव देखने को मिल जाता है। यह है इसका की और ये भी पहले जैसा नहीं है। इसमें 125cc पल्सर वाला की दिया गया है। और यहाँ पर है इंजन माल फंक्शन का और इंडिकेटर, फ्यूल गेज और स्पीडोमीटर का इलाका। तो ये है इसका सामने वाला स्पीडोमीटर का लुक। और यहाँ पर है मोबाइल चार्जिंग के लिए USB सॉकेट, जो कि पहले नहीं आता था, ये भी अच्छी बात है। और यह है इसका मिरर और उसमें लगा है रबर से कवर किया गया है। और यहाँ पर है लाइट का
और ऑन करने का स्विच, साथ ही इसमें इंडिकेटर, हॉर्न और लाइट का अप डाउन करने का पासिंग लाइट का स्विच। अब इसके हैंडल में बार एंड भी दिया गया है जो पहले नहीं आता था। अब इसके सीट वाले इलाके में बड़ी और अच्छा कुशन वाला आरामदायक सीट मिलता है, जिसके पीछे में X125X की ब्रांडिंग दी गई है। पीछे में बड़ा सा ग्रैब हैंडल भी दिया गया है जिसको आप कैरियर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फुल्ली मेटल बॉडी मिलती है इसमें। पीछे वाले साइड में साड़ी गार्ड मिलता है, एडजस्टेबल पिलियन फुटरेस्ट भी मिलता है और इसके रियर सस्पेंशन में स्टॉक 100mm का SOS नाइट्रॉक्स सस्पेंशन दिया गया है। साथ ही इसके रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है और इसके पीछे वाले टायर साइज की बात करें तो 90-117 इंच का ट्यूबलेस टायर वाला टायर मिलता है, जो कि अच्छी बात है, पहले नहीं आता था। अब इसमें साड़ी गार्ड भी मिलता है अच्छी वाली और इसमें ब्लैक कलर का अलॉय व्हील 17 इंच वाली मिलती है और इसमें गियर सभी आगे साइड लगते हैं, 5 गियर लगते हैं इसमें और इसमें इंजन कट ऑफ स्विच का भी सेंसर दिया गया है। साथ में डुअल स्टैंड भी मिल जाती है, तो ये अच्छी बात है। और यह है इसका फुटरेस्ट जो कि रबर से कवर किया गया है और इस इंजन में अभी भी आपको कार्बेटर इंजन मिलता है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं पेट्रोलिंग के लिए। और यहाँ पर है ऑक्सीजन सेंसर और इसमें सिंगल हॉर्न मिलता है जो कि अंदर में लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये रही इस बाइक की छोटी सी जानकारी। तो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ये बाइक आपको अगर लेनी है तो आप यहाँ इस शोरूम में विजिट कर सकते हैं। इस शोरूम की पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अधिकतर अब रायपुर से ही वीडियो आने वाली है, रायपुर सिटी से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।